हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बॉडी मूवमेंट्स, है ना। हम लोग एक टॉपिक इसका, एक पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट करती है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े थे। कल का सेशन अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे। कल के सेशन में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ जॉइंट, जिसमें हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पढ़ा था, पाइवोटल जॉइंट पढ़ा था, हिंज जॉइंट पढ़ा था और फिक्स जॉइंट पढ़ा था कि कौन सा जॉइंट कहाँ मिलता है, कैसे मूवमेंट करता है, है ना। तो कल की वीडियो आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी जॉइंट्स होते हैं और कहाँ कहाँ वो जॉइंट प्रेजेंट होते हैं और कैसे कैसे मूव करते हैं, तो आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ बोन्स, यानी आज मैं आपको बोन्स के टाइप्स बताने वाली हूँ। चैप्टर तो है आपकी बुक में कि बॉडी मूवमेंट्स, लेकिन बहुत ज्यादा बोन्स के टाइप नहीं है, बहुत ज्यादा जॉइंट्स के टाइप नहीं है। तो मैंने ये कोशिश की है इस चैप्टर को थोड़ा सा इलैबोरेट करने की कि आप लोगों को, अगर कोई चीज को आप पढ़ रहे हो, किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, तो वो आपका कम से कम एक बार तो क्लियर हो जाए, ताकि जब हम अगली क्लास में उन चीजों को पढ़ें तो हमें दिक्कत ना आए। अगर हम 100% पढ़ेंगे तो हमें 50% नेक्स्ट क्लास तक हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रह जाएगा, तो हमें बातें याद आने लगेंगी कि हाँ ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो केवल यही मेरा मोटिव है कि ऐसी कोई चीज ना रह जाए जो आपको अगली क्लास में जाने पर दिक्कत पैदा करे, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है छोटी सी आप लोगों को टाइप्स ऑफ बोन समझाने की, टाइप्स ऑफ जॉइंट समझाने की। अब कैसा लगता है आपको सेशन, क्लास कैसी लगती है, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं और कमेंट करके ही बता पाएंगे। तो सभी लोगों को सेशन को देखने के बाद कमेंट जरूर करना है कि क्लास कैसी लगी, सेशन पसंद आया नहीं, क्या कमी थी, ठीक है। चलो अब बातें छोड़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बोन्स। तो सबसे पहले अगर हम बोन्स की बात करेंगे तो रिब केज समझते हो, हमारे चेस्ट, है ना, हमारे सामने चेस्ट की जो बोन्स होती है उसको हम कहते हैं रिब्स कहते हैं ना। और ये जो रिब्स होती हैं, ये मिलकर एक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं रिब केज। क्लियर हो गया कि हमारे आगे चेस्ट की जो बोन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं रिब्स, और क्योंकि ये पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं इसीलिए इसको हम कह देते हैं रिब केज। अब रिब केज का जो अरेंजमेंट है वो टोटल 24 रिब्स से मिलकर बना हुआ, यानी 12 मिलेंगे आपको इस साइड और 12 मिलेंगी आपको इस साइड। तो टोटल जो रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं, टोटल जो रिब्स होती हैं वो 24 होती हैं, ठीक है। अब ये बैक से होती हुई आती है इस तरीके से, भाई बैक से तो बैकबोन से ही अटैच्ड है, है ना, बैक साइड से तो ये बैकबोन से अटैच है, लेकिन ये वाली बोन इस बोन को क्या कहते हैं जिससे ये सामने अटैच होती है, इस बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं इस बोन को, स्टर्नम। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए, राइट द नेम ऑफ द बोन फ्रॉम विच द रिब केज अटैच्ड इन फ्रंट साइड, है ना, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्टर्नम। उस बोन को क्या कहते हैं, दैट बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। स्टर्नम इन द थोरेक्स ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट्स, यानी सभी वर्टिब्रेट्स में ये मिलती है, क्योंकि सभी वर्टिब्रेट्स में आपको रिब केज मिलेगा। और रिबकेज हमारी बॉडी के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जैसे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और किसको प्रोटेक्ट करता है बताइए, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और किसको प्रोटेक्ट, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, दैट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गेन्स सच एज, ये लिखा हुआ देखो, हार्ट, लंग्स, ग्रेट वेसल्स, द लास्ट टू फॉल्स रिब्स। अब यहाँ पर रिब्स का जो अरेंजमेंट है उसको देखो, वन से लेकर सेवन रिब्स तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन रिब्स तक, इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इनको, ट्रू रिब्स, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, ट्रू रिब्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको ट्रू रिब्स, इनको ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बोन्स होती हैं ये डायरेक्ट आपकी स्टर्नम से आकर कनेक्ट हो जाती हैं, डायरेक्ट स्टर्नम से आकर कनेक्ट होती हैं, ठीक है, यहां तक तरीके से। लेकिन इसके बाद की जो रिब्स है, एट,
9 और 10, इनको हम कहते हैं फॉल्स। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं फॉल्स रिप्स। क्यों कहते हैं इनको फॉल्स रिप्स? तो इनको फॉल्स रिप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच नहीं होती। ये क्या करती है? ये पहले एक दूसरे से जुड़ती है। भाई देखो, ये जो 8th वाली रिब है ये पहले 7th से ज्वाइंट हो रही है, 9th वाली पहले 8th से ज्वाइंट हो रही है, 10th वाली पहले 9th से ज्वाइंट हो रही है, और फिर एक बोन मिलकर ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं फॉल्स रिब्स। समझ में आया कि 1-7 इज कॉल्ड ट्रू रिब्स एंड 8, 9 and 10 आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। ठीक है, अभी नंबरिंग कंप्लीट नहीं हुई, क्या रह गया? अब आपका रह गया 11 और 12। क्या रह गया? नंबर 11 और 12। तो जो नंबर 11 और नंबर 12 है, ये देखो कहीं कनेक्ट हो रही है क्या आगे? ये पीछे से तो आ रही है, ये 11 है और ये 12 है और ये 11 है, तो ये क्या कहीं आगे की तरफ आ रही है? नहीं आ रही ना, इसका मतलब ये फ्री फ्लोटिंग करती रहती है, कहीं तो ज्वाइन है नहीं आगे की तरफ। बैक साइड में तो ज्वाइन है बैकबोन से, लेकिन फ्रंट साइड में ये स्टर्नम से ज्वाइन नहीं है। बेटा स्टर्नम केवल यहाँ तक है, ये केवल स्टर्नम है, ये आपकी बैकबोन है, ये आपकी बैकबोन है, ठीक है, वो बैकबोन बनी हुई है। स्टर्नम केवल यहाँ तक है, ये आपकी स्टर्नम है, क्लियर? तो क्योंकि ये आगे की तरफ बिल्कुल फ्री रहती है ना, तो फ्री अगर रहती है तो इनको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिप्स। क्या बोलेंगे इनको? फ्लोटिंग रिप्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात कि 1-7 ट्रू रिप्स हो गई। मैं यहाँ पर लिख दूँ एक बार, 1-7 ट्रू रिप्स, 8-10 फॉल्स रिप्स, और 11-12 फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, अब याद रहेगा ना, तीनों चीजें याद रहेंगी। और जो जो फ्रंट साइड में बोन होती है जिससे ये बोन्स आकर कनेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। क्लियर? चलो, दीज आर शॉर्ट रिब्स दैट डू नॉट अटैच द स्टर्नम एट ऑल। ये इसके बारे में दिया हुआ है कि जो आपकी 11 और 12 है ये छोटी होती है, इसीलिए ये स्टर्नम से अटैच नहीं हो पाती। तो आई थिंक आप लोगों को रिब केज समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जितना आप लोगों के लिए सफिशियंट था उतना मैंने बिल्कुल बताने की कोशिश की है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा कि टोटल रिब्स कितनी होती है, 24। नंबर ऑफ टोटल रिब्स पूछे तो 24। अगर पेयर में बोलोगे तो बोलोगे 12 पेयर्स। अगर पेयर में बोलोगे तो क्या बोलोगे? 12 पेयर्स। ठीक है, वैसे तो 24 दोनों साइड, लेकिन अगर पेयर पूछता है तो 24 मत कर देना, 24 नहीं होगा, तब 24 का हाफ हो जाएगा 12 पेयर्स, है ना। 1-7 ट्रू रिब्स, 8-10 फॉल्स रिब्स, और आगे का जो पार्ट होता है जिस बोन से याद अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। तो इतनी बातें याद रहेंगी। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट बोन की तरफ। चलो, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, व्हाट डू यू फील इज हिज बैकबोन? इट इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स, द रिब केज इज जॉइंड टू दीज बोन्स। यानी आप अपनी कोई भी फिंगर से अपने दोस्त के बैक साइड में टच करके देखना, तो आपको एक ऐसी वाली फीलिंग आएगी, ऐसी वाली कि अरे कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसी वाली फीलिंग आएगी आपको। या अपनी टच करके देखो तो भी आपको यही फीलिंग आएगी। क्यों आती है ऐसी फीलिंग? क्योंकि वहां पर हमारी क्या होती है? बैकबोन होती है। क्या होती है? बैकबोन होती है, जिससे ऊपर की साइड, ऊपर की साइड मैंने आपको बताया था ना कि 12 जो हमारी रिब केज होती है, वो 12 रिब केज बैक साइड में किससे जुड़ी हुई होती है? बैकबोन से जुड़ी हुई होती है ना। किससे जुड़ी हुई होती है? बैकबोन से जुड़ी हुई होती है। क्लियर? वर्टिब्रेट्स आर द 33 इंडिविजुअल बोन्स दैट इंटरलॉक विद ईच अदर टू फॉर्म द स्पाइनल कॉलम। यानी जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, देखो वर्टिब्री किसको कहते हैं? जिसमें बैकबोन होगी वो सारे एनिमल्स क्या कहलाएंगे? वर्टिब्री कहलाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो बोन्स होती है हमारी वर्टिब्रा में, वो कितनी होती है? 33 वर्टिब्रा होती है। ठीक है, और ये जो 33 वर्टिब्रा होती है, ये एक दूसरे के अंदर इस तरीके से इंटरलॉक होती है। देखो, एक बोन ऐसे होगी तो दूसरी बोन इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स होगी। ठीक है,
फिर इसके अंदर इस तरीके से होगी बोन, फिर इसके अंदर इस तरीके से होगी, तो ये इस तरीके से इंटरलॉक होती है। जैसे आपने टाइल्स देखी होंगी आजकल रोड के साइड में इंटरलॉक टाइल बनती है ना, एक दूसरे में फंसी हुई होती है, सेम उसी तरीके से जो हमारी वर्टिब्री होती है उसकी जो बोन्स होती है वो एक दूसरे के साथ इंटरनली अटैच होती हैं, ठीक है, इंटरलॉक बना के रखती हैं टू फॉर्म द स्पाइनल कॉलम। और ये क्या बनाती है, एक स्पाइनल कॉलम बना लेती है जो यहां से लेकर यहां तक इस तरीके से चलता है, ठीक है। और इसी के अंदर हमारी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। क्या होती है इसके अंदर, इस बैकबोन के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो मैंने पतली सी लेयर बनाई है ना, ये पतली सी लेयर, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है ना बात एकदम। अब इस बैकबोन में सुन समझो, 33 तो टोटल बैकबोन होती है, ठीक है। स्टार्टिंग की जो 7 बैकबोन होती है उनको हम बोलते हैं कर्विकल, क्या बोलते हैं उनको, कर्विकल बोन्स, क्या बोलते हैं उनको, कर्विकल बोन्स, ठीक है। और 8 से लेकर आगे, यानी नंबर 8 से जब तक 12 नहीं हो जाता, यानी यहां से देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, तो टोटल नंबर तो हो गई ये 19, ठीक है, सॉरी 19 नहीं, टोटल नंबर तो हो गई ये 12, लेकिन स्टार्ट कहां से होंगी, 8 से स्टार्ट होंगी 19 तक, यानी 1 to 7 तो कार्विकल, 8 to 19 तो थोरेसिक, कौन सी होती है, 8 to 19 थोरेसिक, और टोटल काउंटिंग में कितनी होती है ये 12। स्टार्टिंग की 7 कार्विकल, उसके बाद की 12 थोरेसिक, उसके बाद की 5, यानी यहां से देखो 19, 20, 21, 22, 23 and 24, ये हो गई 5, क्या हो गई आपकी लंबर, ठीक है। और उसके बाद की जो 5 होती है जो मिलकर एक बना लेती हैं, मिलकर जो एक बना लेती है उसको बोलते हैं सैक्रम, और उसके बाद जो 4 होती है जो मिलकर एक बनाती है उसको बोलते हैं हम कोकैक्सी, ठीक है, कोकैक्स, क्या बोलते हैं उसको, कोकैक्स बोलते हैं, यानी 5 बोन्स मिलकर एक बोन बना लेती हैं और 4 बोन मिलकर एक बोन बना लेती हैं, ठीक है। तो जब टोटल की बात करेंगे तो 33, लेकिन अगर आप काउंट करके देखेंगे तो 7 ये हो गए, 12 ये हो गए, 7 और 12 कितना होगा 19, 19 में 5 आप ये प्लस करो कितना हो गया 24, 24 में 5 ने मिलकर एक बना ली और 4 ने मिलकर एक बना ली, तो टोटल कितनी हो गई 26। यानी किसी बच्चे की बोन की अगर बात करेंगे हम, किसी बच्चे की बोन की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होंगी 33, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं, नंबर ऑफ बैक बोन्स होती हैं, वो 26 हो जाती है। क्यों हो जाती है, मैंने आपको समझा दिया, लास्ट की 4 बोन मिलकर एक बोन बना लेती है कोकैक्स, और उससे ऊपर की 5 बोन मिलकर एक बोन बना लेती है जिसको बोलते हैं सैक्रम, ठीक है। जब बच्चा होता है ना छोटा, तो उसके ना पीछे आप देखा होगा हल्की सी बोन निकली हुई होती है जिसको हम बोलते हैं टेल, तो जब तक वो टेल डिमिनिश नहीं हो जाती ना, जब तक वो टेल डिमिनिश नहीं हो जाती तब तक तो नंबर ऑफ बोन्स 33, लेकिन आफ्टर डिमिनिशन क्या होगा, 5 मिलकर एक बना लेगी, 4 मिलकर एक बना लेगी, तो टोटल कितनी रह जाएंगी 26 रह जाएंगी। अब ध्यान रखोगे, याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं। चलो आगे चलते हैं। द शोल्डर इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स, हमारा जो शोल्डर, शोल्डर यानी कंधा, 3 बोन से मिलकर बना होता है, कितनी बोन से, 3 बोन से मिलकर बना होता है। देखो अपने हाथ से अपने दूसरे कंधे के बैक की तरफ हाथ रखो, तो जहां पर आपका हाथ जाएगा उसको बोलते हैं स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड, क्लियर। नेक्स्ट, अपने राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से आगे की गले की हड्डी को छू कर देखो, गर्दन के नीचे एक बोन आपको निकली हुई दिखाई देती है ना, लंबी सी निकली हुई दिखाई देती है,
जो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट जाती है उसको बोलते हैं क्लेविकल यानी कॉलर बोन। ठीक है, ये हो गया आपका स्कैपुला, ये हो गया आपका स्कैपुला जो कंधे की हड्डी, पीछे देखा पतले पतले बच्चे होते हैं, तो पतले पतले बच्चे को जब हम बैक साइड से देखते हैं तो क्या होता है, एक चौड़ी चौड़ी सी हड्डी दिखाई देती है जो कभी कभी वो लोग आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो चौड़ी हड्डी दिखाई देती है ना ट्राइंगुलर शेप की जो बोन दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड स्कैपुला। और आगे जो हड्डियां दिखाई देती है ऐसे बोलते हैं ना कि अरे इतनी गहरी हड्डी, इतना गहरा गड्ढा हो रहा है गर्दन के नीचे कि पानी भर लो, तो वो जो बोन होती है जो आगे दिखाई देती है आपको हॉरिजॉन्टली जो दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड क्लेविकल या कॉलर बोन। और उसके बाद आपकी हाथ की हड्डी होती है, हाथ की हड्डी जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस। हाथ की अगली हड्डी को मतलब ऊपर वाली हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। और यहाँ ज्वाइंट होने के बाद इस तरीके से, यहाँ ज्वाइंट होने के बाद ये जो बोन होती है ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इधर वाली बोन को बोलते हैं रेडियस और अंदर वाली बोन को बोलते हैं अल्ना। ठीक है, बाहर वाली बोन को यानी हाथ अगर आप आगे की तरफ सीधा करोगे ऊपर की तरफ अपने हाथ को करके, पाम को अपने ऊपर की तरफ करके, तो जो अंदर की तरफ बोन आएगी आपके दैट इज कॉल्ड अल्ना और जो बाहर की तरफ बोन जाएगी दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो समझ में आ रहा है कि हमारा जो हाथ होता है वो तीन हड्डियों से मिलकर बना होता है, थ्री टाइप्स ऑफ बोन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज ह्यूमरस जो ऊपर की बोन होती है जो शोल्डर से अटैच होती है, और उसके नीचे जो हमारा हाथ होता है वो दो बोन से मिलकर बना होता है जिनको हम कहते हैं रेडियस और अल्ना। ठीक है, चलो इतनी बात काफी है, आगे देखो। अब आ जाते हैं हाथ के नीचे, मतलब आर्म के नीचे क्या होता है हमारा हैंड, आर्म के नीचे क्या होता है हैंड। टोटल देखो ह्यूमन हैंड हैज 27 बोन्स, यानी हमारे हाथ, हाथ में केवल कितनी बोन्स होती है 27 बोन्स होती है। अब कैसे होती है चलो काउंट कर लेते हैं। जो आपकी रिस्ट की यानी कलाई की जो बोन्स होती है, ये वाली कलाई की जो बोन्स होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं कार्पल्स। और ये काउंटिंग में कितनी होती है, ये काउंटिंग में 8 होती है, गिना दूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर ये इस तरीके से जॉइंट होती है, इसको बोलते हैं 7 और 8। ठीक है, तो कितनी बोन से मिलकर बनी होती है हमारी रिस्ट, 8 बोन से मिलकर बनी होती है, कितनी से 8 से। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो बोन्स है ना, ये वाली जो बोन्स, ये इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स, आ रहा है ना समझ में, इनको बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स। लिख दूं यहां पर, ये वाली जो इतनी बोन होती है इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, PL मेटाकार्पल्स। ठीक है, ये कितनी होंगी 1 2 3 4 5, कितनी होती है 5 होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पाम कंटेन 5, यानी जब हम रिस्ट से ऊपर आते हैं तो जहां पर आप किसी भी चीज को रख सकते हैं वहां पर भी बोन्स होती है, वहां पर कितनी बोन्स होती है, वहां पर 5 बोन्स होती है जिनसे मिलकर आपका पाम बनता है। ठीक है, कितनी बोन से मिलकर बनता है आपका पाम, 5 बोन से मिलकर बनता है। ठीक है, द रिमेनिंग 14 आर डिजिटल बोन्स, यानी ये वाली दो, ये वाली दो, ये वाली दो, ठीक है, ये वाली जो दो बोन्स होती है ये क्या होती है, इनको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं इनको, कार्पल्स। देखो 2 2 4 6 8 और 10, द रिमेनिंग 14 आर डिजिटल बोन्स। अच्छा ओके, यहां पर क्लियर नहीं है, यहां पर क्लियर नहीं है, मेटाकार्पल्स इसको बोलेंगे, सॉरी मैंने आपको यहां पर एक मिस्टेक हो गई मुझसे, ये मेटाकार्पल्स नहीं है बल्कि आपकी ये वाली जो बोन है ये होंगी मेटाकार्पल्स। बताया मैंने ठीक, लेकिन मैंने उसको मार्क
रॉन्ग कर दिया, मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो जो आपका पाम बनता है वो 5 मेटाकार्पल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। और जो बाकी की ये जितनी भी बोन्स हैं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये कितनी हो गई, 3 3 3 3, 4 3 12 13 और 14, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, इनको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं हम कार्पल। तो समझ में आया, ये मैंने आपको बताया, देखो थंब की साइड बताया था ना मैंने, जो पोर्शन बाहर की तरफ होगा, और थंब हमारा बाहर की साइड होता है, तो ऐसे याद रखना, जो थंब की साइड हाथ की बोन होगी उसको बोलते हैं रेडियस, और जो लिटिल फिंगर की साइड जो बोन होगी उसको बोलते हैं अल्ना, अल्ना अंदर, ऐसे याद रखना, अल्ना अंदर, रेडियस बाहर, अल्ना अंदर। जब आप हाथ सीधा करोगे ना, पाम की साइड से जब आप हाथ सीधा करोगे तो जो बोन अंदर की तरफ आएगी, अंदर अल्ना और रेडियस बाहर, ठीक है। अब याद रहेगा हाथ की सारी बोन्स हो गई, टोटल बोन्स कितनी हो गई, 27 बोन्स हो गई, कितनी हो गई, 27 बोन्स हो गई। आगे चले, ये मैंने और क्लियर कर दिया कि ये आपका थंब है, थंब की तरफ रेडियस, यही बताया था ना, थंब की तरफ रेडियस, अंदर की तरफ अल्ना। ये है हमारी ह्यूमरस, ह्यूमरस के बाद जो आगे की बोन होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, रेडियस और अल्ना। और जहां पर ये ज्वाइन होती है, जहां पर ये ज्वाइन होती है, देखो जब आप ह्यूमरस से नीचे की तरफ आते हो तो आप हिंदी में बोलते हो उसको कोहनी, कोहनी बोलते हो ना, हाँ मेरी कोहनी में चोट लग गई बहुत जोर से, और एक पॉइंटेड सी बोन निकली हुई होती है जब आप अपने हाथ को मोड़ते हो, तो उसी को हम कहते हैं एल्बो। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको, एल्बो कहते हैं ना, याद आ गया, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्बो कहते हैं। ये हो गई आपकी रिस्ट, ये हो गई आपकी मेटाकार्पस, और ये जो बाकी की बोन्स हैं ये हो गई आपकी कार्पल्स, ठीक है। क्या हो गई ये हो गई आपकी कार्पल्स, ठीक है। चलो देखो आगे चलो, द पेल्विक गर्डल इज अ रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, यानी पेट के नीचे की जो बोन होती है, आप अपने स्टमक के नीचे टच करके देखो तो आपको एक उभरी हुई बोन दिखाई देगी जो आगे की तरफ से पॉइंटेड होती है, पीछे की तरफ से राउंड होती है, जहां पर आपके हिप्स होते हैं, है ना। लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, इट कनेक्ट्स द एक्सियल स्केलेटन टू द लोअर लिम्स, यानी यहाँ पर ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके पैरों की हड्डी जिसको हम क्या कहते हैं, फीमर, क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फीमर अटैच्ड होती है, इस तरीके से बॉल और सॉकेट जॉइंट, तो ये क्या होती है, फीमर यहाँ से अटैच्ड होती है, ठीक है। आया समझ में, द पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन्स, जो पेल्विक गर्डल होती है वो 3 तरीके की बोन से मिलकर बनी होती है। ऊपर की साइड का जो चौड़ा पार्ट होता है उसको कहते हैं इलियम, बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एसिटाबुलम, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एसिटाबुलम, और नीचे का जो पार्ट होता है, नीचे का पार्ट दिख रहा है एक इश्चियम, और अंदर की साइड जो बोन ये जो ज्वाइंट है बोन, ये इतनी बोन, इसको बोलते हैं प्यूबिस, ठीक है। आया समझ में, कितनी बोन हो गई यहाँ पर, टोटल तो 4 हो गई, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है, इलियम, एसिटाबुलम और इश्चियम, है ना। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दूं, क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा माइंड में रह जाएगा, है ना। तो फ्यूज्ड बोन तो 3 होती है, लेकिन हम पढ़ते कौन कौन सी, हम इलियम पढ़ते हैं, एसिटाबुलम पढ़ते हैं, इश्चियम पढ़ते हैं और प्यूबिस पढ़ते हैं, क्लियर। तो पेल्विक गर्डल में बोन्स बता दी मैंने, पेल्विक गर्डल लोअर पार्ट होता है आपकी बॉडी का, स्टमक से नीचे का पार्ट होता है, जहां पर आपकी फीमर बोन आकर जॉइंट होती है बॉल और सॉकेट जॉइंट के साथ, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फ्यूज्ड बोन होती है, इलियम, एसिटाबुलम और एश्चियम, ठीक है, और एक आप अपनी तरफ से पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं प्यूबिस। तो ये हो गया आपका पेल्विक गर्डल कंप्लीट, क्लियर है। आगे देखो, ये आता है हमारा
खोपड़ी ना, स्कल, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम कहते हैं स्कल। देखो आपको दिख रही है ये जॉइंट, दिख रहे हैं ना ये सारे जॉइंट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये फिक्स जॉइंट है। आप अपनी बोन को यहाँ किसी भी हिस्से से हिला नहीं सकते बिल्कुल भी, जॉइंट बेशक है लेकिन यू कांट मूव दीज जॉइंट्स, आप इन जॉइंट्स को नहीं मूव कर सकते। मूव कौन सा पार्ट करता है, केवल इतना पार्ट मूव करता है, केवल इतना पार्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ये होता है मूवेबल और ये होता है इमूवेबल। ठीक है, आप समझो इसके लिए, इसका और द क्रेनियम, दूसरा नाम इसका क्रेनियम भी है, इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, यानी अगर इतने के पूरे की बात करेंगे तो नंबर ऑफ बोन्स कितनी है 22। ठीक है, सम ऑफ दीज बोन्स आर पेयर्ड व्हाइल अदर्स आर नॉट, कुछ बोन्स पेयर में होती हैं, कुछ बोन्स अनपेयर्ड होती हैं। आउट ऑफ 22 बोन्स 8 आर क्रेनियल बोन्स, यानी ये जो आपकी बोन्स हैं, इतनी जो आपकी बोन्स हैं, ये नंबर में कितनी होती हैं 8 होती हैं, और जो आपकी बाकी की बोन्स होती हैं, यानी जो नीचे जबड़े की यानी फेशियल जो होती हैं, इतनी बोन्स, इतनी ये बोन्स तो हो गई आपकी क्या क्रेनियल, और ये किसकी हो गई, ये हो गई आपकी फेशियल। फेशियल कितनी होती है 14, क्रेनियल कितनी होती है 8, टोटल मिलाकर कितनी हो गई 22। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके स्कल में टोटल बोन कितनी है तो आप बोलोगे 22। अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन योर स्कल तो आप बोलोगे 8 इन क्रेनियल, 14 इन फेशियल एंड टोटल इज 22। ठीक है, समझ में आ गया ना नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल। चलो आगे चले, ठीक है आज इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे की अभी बोन्स बाकी है, अभी बोन्स कंप्लीट नहीं हुई है, इसके जो आगे की बोन्स है वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बुक्स में नहीं है, मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है ताकि आप लोगों तक मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकूं, है ना। तो जो भी इस सेशन को जब भी देखेगा एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि वाकई आपको सेशन कैसा लगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, सभी को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके बाद पसंद आया अगर लेक्चर और आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी मैं पूरी बुक कराऊंगी आपको और ऐसे ही एडवांस भी कराऊंगी, यानी ऐसा नहीं है कि केवल बुक का ही कंटेंट लेकर चलेंगे, अगर कुछ एडवांस बताने लायक है तो वो भी बिल्कुल बताऊंगी। तो उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले की क्लासेस का आपको मालूम है, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8 की मैथ्स में आपको दे चुकी हूँ पूरी, जो NCERT बेस्ड है ना, और उसमें भी ये जो क्लास 5 है ना, ये जो क्लास 5 है ये पूरी कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड। तो जो भी आपके कंसेप्ट है जो क्लियर नहीं है आप क्लास 5 की वीडियोस में जाकर बहुत इजीली देख सकते हो, है ना। क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है, 1:30 PM पर क्लास में डेली अपलोड करती हूँ, जिसको आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज क्लासेस आपको शो हो रही हैं और ये कल प्राइवेट हो जाएंगी, तो नहीं, ये प्राइवेट नहीं होंगी क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपको नहीं देना है इसके लिए। केवल आपको इतना चार्ज करना है कि आपको लाइक शेयर करना है और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को सब्सक्राइब करना है, सभी को, केवल ये मेरी तरफ से चार्ज है आपके लिए, बाकी 100% मैं देने की कोशिश करूंगी, लेकिन आपका साथ मेरे साथ बना रहेगा इसी तरह तब। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।